नमस्कार किसान भाइयों, मैं जीवनराम कुमार आपके लिए लेके आया हूँ आज एलोवेरा की खेती। हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे कि एलोवेरा की खेती करके हम उन्नत खेती से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों, इसका उपयोग आयुर्वेदिक के रूप में किया जाता है, जैसे पाउडर बनाने में, जैसे क्रीमी में बनाने में किया जाता है। दोस्तों, एलोवेरा की खेती करने के लिए हमें वहाँ की जलवायु का पता होना चाहिए। दोस्तों, एलोवेरा जिसको हम मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ग्वार पाटा, इसकी खेती हम हर प्रकार की जलवायु में कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात दोस्तों इसमें बुआई करने का समय, दोस्तों इसकी बुआई हम जून से लेकर सितंबर तक रोपण कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो रोपण होता है ना, एक नीचे का बूटा होता है, जैसे कि आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये होता कलम होता है जिसको हम रोपण करते हैं, जो कि जून से लेकर सितंबर तक हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमें मिट्टी की आवश्यकता होती। दोस्तों, इसमें मिट्टी की आवश्यकता, हम सभी प्रकार की मिट्टियों में एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। रही बात दोस्तों सिंचाई पे, हमें 15 दिन के अंतराल पर गर्मियों में सिंचाई करना चाहिए और 1 महीने के अंतराल पर सर्दियों में सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों, इसमें सर्दियों में एक फली आती है जिसका हम घरेलू उपयोग भी कर सकते हैं, सब्जी बनाने में, औषधि के रूप में और अचार के रूप में भी इसकी फली का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती है, आप देख रहे हैं, ये आयुर्वेद के रूप में जाती है दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें बालों में लगाने के लिए, चेहरे के लगाने के लिए काम में भी लिया जाता है, आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इसकी उन्नत खेती करके भी आप बहुत सारा कमा सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर कर रखी है ठेठ तक, आपको दिख रहा होगा। और इसकी हम ठेठ तक लगा हुआ है, और आप ऐसे इसकी खेती करके बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। ये दोस्तों हर प्रकार की जलवायु में, हर प्रकार की मिट्टी में हो जाता है, और ये अधिक खारा पानी भी सहन कर लेती है। और इसकी रोपाई हम जून से लेकर सितंबर महीने में करते हैं। थैंक यू दोस्तों।